चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी की परीक्षा 9 जून से शुरू हो रही है। छात्रों को घर पर ही पर्चा हल करना होगा, लेकिन इसको लेकर कई छात्रों की परेशानी बढ़ी हुई है। दरअसल इन छात्र छात्राओं के सामने बड़ी समस्या ये है, इन्हें प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए कॉपी खुद खरीदनी होगी, जिसको लेकर छात्रों ने कॉलेज फीस की 50% राशि वापस करने की मांग की है, ताकि कोरोना काल में आर्थिक परेशानियां परीक्षा में आड़े न आएं। बता दें कि कोरोना की वजह से कई छात्रों के परिजन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी अपनाई जाएगी। बच्चों को उनके यूजर आईडी पर प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे और वो 15 तारीख तक इसको लिख कर हमारे को विश्वविद्यालय में जमा कर महाविद्यालय में अपने जमा करेंगे, और महाविद्यालय से यदि वहाँ मूल्यांकन नहीं होगा तो वो विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिकाएँ आएंगी। गत वर्ष की जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी परीक्षा के संबंध में कोरोना के संक्रमण के कारण, वही प्रक्रिया इस वर्ष भी अपनाई जा रही है। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तर पुस्तिका खरीदने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही थी छात्र छात्राओं को। तो हमारी मांग यह भी थी कि जो कॉलेज में फीस दी गई है उसे कम से कम 50% रिटर्न किया जाए, जिससे कि छात्र छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका स्वयं खरीद कर परीक्षा दे सकें और वह मानसिक रूप से अच्छे से परीक्षा दे सकें। यह मांग पूरी ना होने पर छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका किसी भी दाम में हर जगह मिल रही है। कहीं 50 रुपये में एक उत्तर पुस्तिका मिल रही है, कहीं 60 रुपये में उत्तर पुस्तिका मिल रही है, जिससे कि छात्र छात्राओं को 600 रुपये 700 रुपये तक खर्चा करना पड़ रहा है, और यह उचित समय नहीं है।